तो वेलकम बैक। पैर पतने लगी? अरे नहीं है। तो हमारे साथ हिमांशु भाई जुड़े हैं, ठीक है। और हिमांशु भाई थोड़ा कैमरा ठीक करता हूँ एक सेकंड को। तो भैया शुरू कर दे। नहीं नहीं, नेचुरल ब्रदर, नेचुरल। हाँ ठीक है। तो हिमांशु भाई जुड़े हैं हमारे साथ। तो अभी हिमांशु भाई बताएंगे पहले हफ्ते का रिव्यू, ठीक है, कि क्या क्या रहा, क्या क्या, और भाई को कैसा लग रहा है यहाँ आके असल मायने में। तो ठीक है भाई, बताओ, उधर देख के बताना कैमरा। बिल्कुल सच, वो सब देख रहे हैं भाई। ये देख, जिस दिन मैं यहाँ पे लैंड हुआ, सबसे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या, क्योंकि कोई जानने वाला पहचानने वाला भाई भी जॉब पे गए थे, कहीं पे काम था इनको, तो टैक्सी बुक करना सबसे बड़ा इशू था। फिर किसी से पूछ पाछ के टैक्सी बुक करी। कौन से यहाँ पे, कौन सी टैक्सी चलती है भाई? यहाँ पे चलती है बोल्ट। बोल्ट से बोल्ट बुक करी थी? हाँ, ऊबर भी चलती, वैसे ऊबर और बोल्ट दोनों चलती है। भाई ने बोल्ट बुक करी, बोल्ट, क्योंकि वहां से पूछा मैंने, एक पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई बोल्ट चलती है, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है बोल्ट से ही कर लेते हैं। तो भाई उसने मांगे थे 15 यूरो एयरपोर्ट से डोरमेट्री तक। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रात का टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे लैंड 8:30 बजे के करीब की करा था मैंने लैंड यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे उतर गया, आधे घंटे के करीब मैं पहुँच गया था, 9 के करीब टाइम था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आते हैं मुझे ये फेस हुआ कि एक्सेस कार्ड चाहिए एंट्री के लिए जो कि मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पे डॉर्मेट्री का, तो उसके बाद मिलता है वो। मेरे पास एक्सेस कार्ड नहीं, मैं किसी को जानता नहीं सिवाय भाई के, भाई बाहर थे, आधा घंटा बाहर वेट किया मैंने, भाई मिले, फिर अंदर आए हम, रूम देखा, और कोइंसिडेंस भाई के साइड वाला रूम ही मिल गया। हाँ साइड वाला मेरा, मतलब 1111A है और भाई को बी मिला था। ए का मतलब ये होता है कि दो बंदे रहेंगे एक रूम में, और बी का मतलब होता है कि तीन बंदे रहेंगे रूम में, तीन। हाँ ठीक है भाई। फिर भाई आके भाई ने खाना खिलाया, मतलब सेवा जिसे कहते हैं वो करी भाई। भाई देखो यहाँ पे ऐसे ही रहता है, अगर कोई भी आता है ना अपना बंदा, अभी कल मुझे एक भाई मिले थे नजफगढ़ के, तो उनका सामान समून ऊपर करवाया था, तो दो एक्सेस कार्ड थे अपने, वो बंदे जाता थे भी सबको एंट्री उंट्री कराई, तो वो सब तो भाई चारे भी करना पड़ता है। मुझे भी जब मैं अभी आया था ना, तब भी कोई रिसीव करने वाला मिल गया था, तो ऐसे रहता है कि कोई आ रहा है तो कोई रिसीव ही कर ले, कोई रात को खाना खिला देना, क्योंकि भाई फ्लाइट में तो लग जाती है, मतलब थक जाता बंदा। चलो भाई बताओ आगे। फिर भाई आगे का प्रोसेस जो हमने शुरू किया, पहले तो अगले दिन सुबह उठते कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था। हाँ कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, रूम का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। फिर हमने आईसिक कार्ड अप्लाई किया, अगले दिन की डेट मिल गई, अगले दिन की मिल गई। फिर हम गए भाई कॉलेज, जो कि मेरे लिए पूरा न्यू था ये टाउन। कॉलेज गए, रास्ते देखे, पहले तो बौखला गए कहाँ आ गए। फिर आईसिक कार्ड के लिए हमें 2 बार घुमाया कि अभी लंच ब्रेक है, अभी ये ब्रेक है, बाद में आना। आईसी कार्ड बन गया वो, तो फिर लंच ब्रेक के बाद हम पहुंच गए थे, वो साथ साथ मिल गया था हमें। उसने कुछ यूरोज लिए थे, तेरह यूरो उसने लिए थे। तो फिर वापस आए, अगले दिन फिर क्लास ली, क्योंकि अब मुझे वो करना था, इंडिविजुअल सर्टिफिकेट अप्लाई करना था, जो कि मंडे को होना था, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पे कोई काम नहीं करता है भाई। मतलब सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, और फ्राइडे को शाम को याद आया था, मतलब 4 बजे के बाद, तो फिर हम अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए। तो आज फिर हमने मंडे, आज हमने अपॉइंटमेंट ली, तो कल की अपॉइंटमेंट मिली हमें। तो ये एक्सपीरियंस रहा अभी तक मेरा, पर कंट्री ठीक है, मतलब साफ सुथरी, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने में मस्त है, ऐसी कंट्री ठीक है। भाई ने काम के भी रास्ते बताए काफी, आने के बाद काफी सलाह दी है, तो मुझे तो ठीक लगा कि मैं बोल्ट की करूँ, जैसा भाई कहते हैं कि बोल्ट करो फूड डिलीवरी। तो अभी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि उसमें फायदे ज्यादा हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, और भाई बताएंगे उसमें क्या क्या है। हाँ तो बोल्ट में यार मैंने पहले एक वीडियो डाली, तो उसमें आधी इन्फॉर्मेशन है, आधी मैं और देता हूँ कि तरीके क्या क्या है। आप एक साइकिल रेंट करके ले सकते हो, और मैनुअल साइकिल का कम रेंट पड़ेगा, और बिजली वाली का पड़ जाता है 70 यूरो के आसपास, ठीक है। और बिजली वाली की रेंज भी सही होती है 80 किलोमीटर के आसपास, तो आप वो कर सकते हो। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, ये जो स्कूटर लाया हूँ ये 40 यूरो का रेंट होता है, अगर स्टार्टिंग में पैसे नहीं है। और सेकेंड हैंड स्कूटर मिल जाता है ये 350 यूरो का, जिसमें वो बोलते हैं 50 किलोमीटर रेंज मिलेगी,
बट चलता है 35 किलोमीटर ही है। तो अगर आप ओल्ड टाउन के पास रह रहे हो तो स्कूटर रेंट कर लो और नीचे उतर के डिलीवरी वगैरह करो, बढ़िया ठीक है, अपने 25 यूरो दिन के बन जाएंगे आराम से और फिर घर आ जाओ, ज़्यादा हैक्टिक वाला सीन नहीं है। और अगर जैसे मैं सिल्तिकस रह रहा हूँ तो यहाँ पे ये है कि यहाँ से जाने में बड़ा टाइम लग जाएगा ओल्ड टाउन, क्योंकि सारी मोस्टली डिलीवरियाँ वहीं पे होती है, क्योंकि सारे हब वही है। अगर आपको साइकिल पे डिलीवरी करनी है, मतलब छोटे व्हीकल पे करनी है, और दूसरा आप ये कर सकते हो कि एक तो बैटरी वाली साइकिल ले सकते हो, एक ये ले सकते हो, और यहाँ पे वॉक बाइक आती है, वॉक बाइक भी ले सकते हो। उसका कितना पड़ता है? 19 यूरो दिन का, और मतलब वो वीकेंड्स का दिन का है 19 यूरो, और वीकडेज का क्या है पूरे दिन के लिए, वीकडेज का आपको पड़ता है 15 यूरो, और सुनने में आया वो 3 घंटे के लिए भी मिलती है, जिसमें वीकडेज में मिलता है 5 यूरो में मिल जाती है, और वीकेंड में 7 यूरो में मिल जाती है 3 घंटे के लिए। तो उसमें भी सही काम निकल जाता है, मतलब उसमें ये है कि उसमें बैटरी लगी होती है, आपकी ताकत कम लगती है, बट उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि चलाना कैसे, रिक्शा की तरह चलानी पड़ेगी। हाँ, रिक्शा की तरह चलती है थोड़ी वो। और बाइक का बोल्ट का हम जब ये अपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि बाइक की TRP चढ़ी नहीं हुई थी, तो पहले TRP चढ़ानी है, उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, नहीं तो कॉल पे ही हो जाता है वो, जो पर्सनल वर्क सर्टिफिकेट जो भी है वो बन जाता है, बट बाइक की TRP चढ़ानी है तो उसकी अपॉइंटमेंट मिली है, नहीं तो इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, खाली प्रिंट करा के आ सकते हैं, और उस पर एक कोड मिलेगा शायद, जिस वजह से जिससे हम बोल्ट के एप्लीकेशन में वो करेंगे, और बोल्ट कुरियर नाम की ऐप डाउनलोड होती है जिसने बोल्ट करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हम अप्लाई कर देंगे और किसी की रेफरेंस की आईडी लगा देंगे, फिर हमारा बैग डिलीवर हो जाएगा। और बैग डिलीवरी के लिए आपको अभी जोन सा भी सबसे पास वाला वो पड़ता है हब, जहाँ पे सारी डिलीवरी आती है, ठीक है, उधर का एड्रेस डाल देना, वहाँ पे आ जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा। तो अब भाई वो करेंगे, भाई का काम कराना है, और मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते के एंड तक, फ्राइडे तक या अगले मंडे तक भाई का बैग आ जाएगा, अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहा तो। और भाई को ये वाला रूम अलॉट हुआ था, भाई जा रहे हैं 6th फ्लोर पे, भाई ने दूसरा रूम अलॉट करा लिया है। अभी इन फ्यूचर हम शायद देखेंगे, अगर जब ये डॉम खाली हो जाएगा थोड़ा, तो हम मोहित भाई, मैं और हिमांशु भाई, हम तीनों एक ही रूम में रह लेंगे, हमें सस्ता ही पड़ेगा, हमें पड़ेगा 130 यूरो का, और अभी पड़ रहा है दो बंदों में 170 यूरो का, और ये नया वाला डॉम है 25। अगर आप 19 में रहते हो तो आपको खाली 80 यूरो और 60 और 60 का रेशियो पड़ता है, क्योंकि वो डॉम पुराना है। उसका ये है कि हमारे 2 कमरों का एक वॉशरूम में देख के आया था, मैं वो वाली क्लिप डाल दूंगा, 2 बंदों का एक वॉशरूम है यहाँ पे, और फ्लोर का किचन एक है, पर उधर कॉमन वॉशरूम है 1 फ्लोर का, मतलब जो नहाने वाला है, और जो जो वॉशरूम वाला वॉशरूम होता है, मतलब बाथिंग एरिया अलग है, वॉशरूम वाला वॉशरूम वो मतलब ऐसे ही है जैसे यहाँ पे है, ठीक है, बट वहाँ पे वो अच्छा फर्निश नहीं हो रखा। बाकी ये भी पता लगा कि वहाँ पे अगर किस्मत वाली बात है 2-3 कमरे काफी सही है, बट रात को लगता भूतिया। हाँ, रात को लगता भूतिया, वो भाई भी देख के आए थे। तो यही है सारी इन्फॉर्मेशन, और ये भाई का हफ्ते का एक्सपीरियंस कुछ, अभी भाई को धीरे धीरे समझ आएगी। बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लोग अपने में रहते हैं कि थोड़ी देर बाद लगता है कि कोई बात ही नहीं करता। हाँ। और कोई भाई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहोगे? नहीं भाई, इतनी थी मेरे पास अभी। इतनी ही थी, चलो ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी सी वीडियो बनाई है, एक छोटा रिव्यू दिया है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। ओके देन, बाय, और बी सेफ, मौज काटो, ओके।